पठान की जबरदस्त ओपनिंग पहले दिन कमाए 100 करोड़। बॉयकॉट गैंग के उड़े होश, भारत में हाउसफुल शोज का सिलसिला जारी। सिद्धार्थ आनंद की पठान के साथ शाहरुख खान 4 साल बाद पर्दे पर लौटे हैं। साथ ही दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम, डिंपल कपाड़िया और आशुतोष राणा अभिनीत ये फिल्म YRF के जासूसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। फिल्म में सलमान खान का एक विस्तारित कैमियो है और फैंस के पास इन दोनों को स्क्रीन पर देखने के लिए अलग ही मौका है। पठान में शाहरुख खान एक रॉ एजेंट की भूमिका निभाते हैं जो कुछ समय के लिए छुट्टी पर रहता है, लेकिन जॉन अब्राहम के जुर्म के राष्ट्र के लिए खतरा बनने के बाद ड्यूटी पर लौट आता है। ट्रेलर ने अपने केंद्र में शाहरुख के साथ एक एक्शन से भरपूर फिल्म का वादा किया था। शाहरुख खान स्टारर पठान बुधवार को रिलीज हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि पठान के गणतंत्र दिवस पर भी हाउसफुल शो देखने को मिलेंगे। करण जौहर ने घोषणा की कि पठान ने पहले दिन 100 करोड़ रुपए से अधिक कमाए हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी साझा की है, एक सदी से आगे, एक दिन में 100 करोड़ और उससे अधिक, गॉट मेगा स्टार शाहरुख, दूरदर्शी और दिग्गज YRF और आदि। सिड आनंद, दीपिका, जॉन, वाह, प्यार हमेशा के लिए नफरत को मात देता है, इस तारीख को चिन्हित करें। बॉक्स ऑफिस इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार पठान ने अपने पहले दिन दुनिया भर में करीब 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। वहीं भारत में यह आंकड़ा 50 करोड़ के पार बताया जा रहा है। पठान के इस कलेक्शन को देखकर जनता का क्या रिएक्शन है, आइए बताते हैं। पेशे से पत्रकार फातिमा खान ने एक वीडियो शेयर करके कहा, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं। बॉयकॉट गैंग का कोई मतलब नहीं बना शाहरुख खान की पठान तो पूरे देश में धूम मचा रही है। SR के दिलों में राज करते हैं। खुद को फिल्म क्रिटिक बताने वाले KRK ने ट्वीट किया, अगर इतने सारे अलग अलग संगठनों और धर्म के ठेकेदारों के बहिष्कार करने के बावजूद फिल्म पठान इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग लेती है तो इसका सीधा संकेत ये है कि 2024 का चुनाव BJP के लिए हलवा नहीं है। पत्रकार रोहिणी सिंह ने ट्वीट किया, सुपरहिट है पठान, जमकर बाहर निकला हिंदुस्तान, ठप पड़ गई नफरत की दुनिया, धरे के धरे रह गए भक्तों के अरमान। वसीम अकरम त्यागी नाम के ट्विटर यूजर ने सुरेश चौहान के को टैग करके कहा, तुम्हारे तो सारे अरमानों पर पानी फिर गया सुरेश चौहान के, अब नींद कैसे आएगी तुम्हें। नदीम राम अली ने पठान की कामयाब ओपनिंग पर लिखा, जो बंदा अल्लाह का दामन थाम लेता है अल्लाह उस बंदे को सर बुलंद कर देता है, भले सारी शैतानी ताकतें उसके खिलाफ खड़ी हो। बता दे, पठान फिल्म को हिंदी, तमिल और तेलुगु फॉर्मेट में दुनिया भर के 8000 स्क्रीनों के साथ दिखाई गई है। इसमें घरेलू स्क्रीन की संख्या 5500 और अंतर्राष्ट्रीय स्क्रीन की संख्या 2500 है। फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पठान भारतीय सिनेमा के इतिहास में किसी भी हिंदी फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी रिलीज है। पठान के रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।